अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, आजाद मीडिया पर हमले हो रहे हैं, एक नाकाम कोशिश की जा रही है, हुकूमत सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से। ये लोग हरगिज़ नहीं चाहते कि आप तक सही न्यूज पहुंचे, जो सही खबर आप तक पहुंचाने वाले जो रिपोर्टर जो सहाफी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनको या तो मार दिया जा रहा है या फिर उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसे में अब सवाल बहुत बड़ा उठता है कि क्या इस मुल्क में जो चौथा सुतून माना जाता है मीडिया, वो खतरे में है? ऐसे लोग जो सहाफी के नाम पर इनकी गुलामी कर रहे हैं, क्या वो असल में ये चाहते हैं कि आप तक गलत तस्वीर बताएं, गलत न्यूज बताएं? ये लोग तकरीबन बिक चुके हैं हुकूमत के हाथों। अब आपको सच न्यूज नहीं बताई जाएगी, क्योंकि कॉपी पेस्ट होगा, जो एक चैनल डालेगा वही सारे चैनल डालेंगे, ये एक पॉलिसी हो चुकी है। अगर आपके मसले, आपके मसाइल जो उठाएगा उसका रास्ता आसान नहीं होगा, उस पर एलिगेशंस लगेंगे, उसको मारा जाएगा, उसके खिलाफ कई ऐसे केसेस दर्ज होंगे, क्योंकि हर स्टेट की पुलिस को ये इख्तियार दिए गए हैं कि इन पर कार्रवाई करें। लेकिन आजाद मीडिया को, आजाद प्रेस को ये लोग नहीं रोक सकते, क्योंकि हम चौथा सुतून है, हम हकीकत बता के रहेंगे। इसके लिए आपको भी उजागर होने की जरूरत है, आप भी देखें कि आपके सामने क्या पेश किया जा रहा है। जो कामों होते ही नहीं उसका इनॉग्रेशन आपके सामने बताया जाता है, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के, कई सालों तक वो काम शुरू नहीं होता। कई ऐसे बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं लेकिन कोई भी काम अमल में नहीं आता। फ्रेंडली पुलिस कहते हैं लेकिन कॉर्डन सर्च के नाम पर आपके मकानात में दाखिल हो रहे हैं, यह भी गलत है। 24 घंटे के अंदर पुलिस को चाहिए कि कोई भी मुस्लिम को पकड़े तो उसको फौरन अदालत में पेश किया जाए, लेकिन चार चार पांच पांच दिन तक वो मुस्लिम को रखा जा रहा है, थर्ड डिग्री इस्तेमाल की जा रही है। यानी ये सारे मसले में कानून के धज्जियां उड़ा रहे हैं चंद ऐसे पुलिस वाले, चंद ऐसे सहाफी के नाम पर जो मुखबिर हैं और जो गुलामी करना जानते हैं। सहाफी उनको नहीं कहते, वो लोग उन लीडरों के हाथों बिक चुके हैं, जो वो चाहता है वो आप तक बताते हैं, और जो सच बोलने की कोशिश करते हैं उनको ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। बहरहाल इसी ताल्लुक से हमने आज बात की जनाब रशीद खान आजाद से, जो सीनियर सहाफी है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रशीद खान साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं और नेशनल इंटीग्रेशन के भी चेयरमैन हैं, आपने कई ऐसे उतार चढ़ाव देखी है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन क्या अब जो सहाफ़ियों के ऊपर, जो चैनलों और अखबारात के ऊपर और जो वेब चैनलों के ऊपर जो कभी पुलिस वालों के ज़रिए या हुकूमत के ज़रिए दबाव डाला जा रहा है और सहाफ़ियों को निकाला जा रहा है, जो सच बोलने की तादाद बहुत कम है, तो इसको किस तरह से आप मानते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान और उस जमहूरियत का चौथा सुतून सहाफत, आज इतनी बड़ी जमहूरियत में यहाँ की सहाफत खतरे में है, और आप देख रहे हैं कि मुल्क की आज़ादी में सहाफत का बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ पे मुल्क को आज़ाद करने के लिए सहाफत ने बहुत बड़ा गिराखदर हिस्सा उसमें अपना अंजाम दिया, इसीलिए यहाँ की जमहूरियत में इसको चौथे सुतून के तौर पर मुकाम मिला। लेकिन आप देखिए,
गुज़िश्ता 4-4.5 सालों से लगातार यहाँ पे सहाफियों को डराया धमका जा रहा है और सहाफत पर दबाव बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता कई दिनों से आपने देखा बेंगलुरु की मशहूर सहाफी गौरी लंकेश को मार दिया गया, और मैं ये कहूँगा आज कि हिंदुस्तान की 80-90% सहाफत जो बड़े मीडिया हाउस के मालकिन है वो मरकजी हुकूमत के सामने घुटने टेक चुके हैं। वो लोग मरकजी हुकूमत के सुबह से शाम तक अपने चैनलों पे उसके ताईद में गुनगा रहे हैं, बल्कि ये कहना सही होगा कि मरकजी हुकूमत के गलत पालसियों को और बिल्कुल शोबेदेबाज छोटे मोटे जो मामले रहते हैं उनको प्रोपगंडा के तौर पर 80-90% सहाफत प्रोपगंडा का काम अंजाम दे रही है। हालांकि हमारे मुल्क में सहाफत का काम आम जनता की आवाज़ को उठाना है, और यहाँ की सहाफत ने उठाया, सहाफत की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी निभाई। अगर सहाफत यहाँ के मजलूम आवाम, कमज़ोर तबका, दलितों, माइनॉरिटी और दीगर तबकों की आवाज़ को अगर नहीं उठाती तो आज की जो जमीरत है वो भी बाकी नहीं रहती। आप देखिए यहाँ के सहाफत ने कुछ थोड़ा सा जो हिस्सा ईमानदार ज़मीर रखने वाले जो सहाफ़ी है उन्होंने यहाँ के मजलूम आवाज़ की आवाम के लिए आवाज़ उठाया, जो उनका बुनियादी यहाँ की सहाफ़त का बुनियादी मकसद है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप देखिए उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हुकूमत की गलत पॉलिसियों को हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि हम ये गलत ये काम कर दिए हैं जो गलत था। एक सहाफ़ी ये गलत काम को उजागर करा और उसने मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया, उसके बदले उसको अपने रोज़गार से हाथ धोना पड़ा, उसकी ज़िंदगी को खतरे में डालने की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे गुज़िश्ता 2-3 सहाफ़ियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यानी जो सहाफ़त है, जो सहाफ़ी है, जो अपना काम ईमानदारी से ज़मीर को ज़िंदा रखकर 80-90% जो ज़मीर फरोश है उनकी तरह ये काम नहीं कर रहे। ये लोग मजलूमों की आवाज़ बन के यहाँ की उठाए, सहाफत को ज़िंदा रखने का काम दिए अंजाम दे रहे हैं और मजलूमों की आवाज़ को उठाने का काम किए हैं, तो उनको रोज़गार से हाथ धोना पड़ा, अपने ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल देना पड़ा। तो आप देखिए जहाँ पे सहाफत कमज़ोर हो जाएगी, ये अज़र में शम्स है कि सहाफत कमज़ोर जमहूरियत भी कमज़ोर। अगर सहाफत को ज़िंदा रखना है, क्योंकि मजलूमों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, दलितों की आवाज़ को उठाने का आज सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो सहाफत है, जिसमें से 80-90% तो बिक चुका है, 10% के लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डराया जा रहा है। तो अब यहाँ पे जैसा हमारे क्राइम टुडे के चीफ रहमत अली साहब ने पूछा कि अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये सहाफ़ियों को धमकाया जा रहा है, सहाफ़ियों की रोज़गार से खेला जा रहा है, तो मैं उन सहाफ़ियों की खिदमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपने रोज़गार को, अपनी ज़िंदगियों को दाव पे लगा दिया, लेकिन सच के लिए आवाज़ उठाई, जनता के लिए आवाज़ उठाई। तो अब ये काम जनता का है, जनता के लिए सहाफ़ियों ने अपनी आवाज़ उठाई, अपना काम ईमानदारी से पूरा किया, उनके साथ हुकूमत उनकी ज़िंदगियों से, उनके रोज़गार से खेल रही है। तो मैं जनता से ये कहूँगा, कमज़ोर तबका से ये कहूँगा कि वो आवाज़ उठाए, वो अब उठ जाएं, बहुत हो गया अब। अगर सहाफ़त ख़त्म हो जाएगी तो आप याद रखिए तुम्हारी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं होगा, यहाँ पे जमहूरियत बाकी नहीं रहेगी।
आपको उठाना पड़ेगा। आपके लिए साफियों ने अपना सब कुछ ईमानदारी से, सही जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दी। आज उनको अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया उन्होंने। तो मैं जनता से कहूँगा कि आवाज़ उठाए। ये हुकूमत ये कह रही है, इस चैलेंज को उन्होंने, दावे को हुकूमत ने दावा किया कि अच्छे दिन जो आने वाले थे वो अच्छे दिन आ गए। और एक रेडियो के प्रोग्राम में एक झूठी जो सो बयानबाजी से काम लिया गया, तो उस साफियों ने, ये साफियों ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आपने कहा था, आप कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कौन से है? ये अच्छे दिन यही है कि नोटबंदी में सैकड़ों लोग अपनी जान दे दिए लाइन में खड़े रहकर। अच्छे दिन क्या यही है कि लोग जीएसटी में अपने कारोबार ख़त्म कर दिए? अच्छे दिन क्या यही है कि हर रोज़ गौरक्षा के नाम पे मासूम, गरीब, ज़ईफ लोगों को एक जानवर के लिए पीट पीट कर ख़त्म कर दिया जा रहा है? अच्छे दिन क्या यही है कि जो कीमतें पेट्रोल की, डीजल की थी, डबल कीमत हो चुकी है? अच्छे दिन क्या यही है कि पूरे जितने जो सो गजाओं के जो जितने कीमतें थी आसमान से छू रही है? आप देखिए, अगर अच्छे दिन यही है, यही झूठे प्रोपगंडे को ये 80% 90% बिकाऊ मीडिया सुबह से शाम तक प्रोपगंडे के तौर पर न्यूज़ चला रहा है। इस बात को चैलेंज करना क्या गलत है? गरीबों को, कमज़ोर जो कमज़ोर था, गरीब था, उसकी माशियत कमर टूट गई उसकी। गजाई अजनास के रेट कीमतें 4 साल पहले जितनी थी आज डबल हो चुकी है। जो गरीब आदमी 3 टाइम खाना खाता था वो 2 टाइम पे एक तोहफा कर रहा है। तो ये चीज़ क्या गलत बात है जो साफियों ने उठाया? अगर ये अच्छे दिन है तो ये साफी गलत तो नहीं कह रहे हैं? आज आवाम की हालत देख लीजिए, अब क्या हालत है? सारे लोग परेशान हैं, लोग घर से निकलने के लिए खौफ खा रहे हैं। और जहाँ पे मीडिया साफी को खौफ में रखा जाएगा, अगर साफी अपने खौफ से कोई चीज़ लिखेगा तो समाज भी खौफ में आ जाएगा, और समाज खौफ में आ जाएगा तो जमहूरियत खौफ में आ जाएगी और जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। ये देश के लिए क्या अच्छा है? क्या साफियों को खौफ ज़्यादा करना चाहिए? क्या साफ़त को खौफ ज़्यादा करना चाहिए? मैं सिर्फ आज एक ही बात कहूँगा, और आज ज़मीर रखने वाले जितने भी साफ़ी हैं और हिंदुस्तान के जितने भी लोग ज़मीर रखते हैं, उन लोगों से ये कहूँगा कि इन साफियों के लिए आवाज़ उठाइए, और आज़ाद साफ़त के लिए आवाज़ उठाइए, फ्री मीडिया के लिए आवाज़ उठाइए, तो ही जमहूरियत ज़िंदा रहेगी, यहाँ की जनता का भला होगा और हिंदुस्तान जो सो मुस्तहिम कब होगा, हमारा मुल्क मुस्तहिम होगा। मगर मैं ये देखने वो आज कुछ दिनों से देखने में आ रहा है, गुज़िश्ता 4 सालों से जहाँ साफियों पे हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ, और जो ईमानदार साफी जिनके खिलाफ काम हो रहा है, जिनकी ज़िंदगियों पे जो सो ख़तरे में डाल दिया गया, उनके रोज़गार से खेला गया, उनकी तायद में मुट्ठी भर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मुट्ठी भर इंटेलेक्चुअल, मुट्ठी भर सियासतदान, मुट्ठी भर प्रोफेसर आवाज़ उठा रहे हैं। ये खामोश, ये मुजरिमाना खामोशी जो है हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं कमज़ोर तबका से और पिछड़े हुए तबका से ये कहूँगा कि वो अब सामने आए, साफ़त के लिए सामने आए, आज़ाद साफ़त का डिमांड करें, फ्री मीडिया का डिमांड करें, और इन साफियों की तायद में आप खुलेआम जो सो आप तहरीक चलाइए, वरना साफ़त ख़त्म हो जाएगी, जमहूरियत भी ख़त्म हो जाएगी। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।